अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एन रमेश आपको ले चलता हूं आज की ताजा तरीन गतिविधियों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। हमारे शहर में मानसून के पूर्व सड़कों की मरम्मत होती है और खड्डे भरे जाते हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर फंड भी पास हुआ है लेकिन फिर भी मरम्मत नहीं हो पाई है। तो इसका लिया हमने जायजा उल्लासनगर कैंप 4 में और स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है इस मामले की सच्चाई। शहर की अगर बात करेंगे तो शहर में एक बार फिर से ये तकलीफें देखने को मिली कि बरसात के पहले महानगर पालिका द्वारा शहर के कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें ठीक तरीके से बनाया नहीं गया। उसी के अगर ध्यान देखते हुए अगर देखेंगे तो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 पे समय मौजूद है। कई बार हमने इस रास्ते की आपको जो है तस्वीरें बताई कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या काफ़ी होती है, क्योंकि जिस तरीके से रास्तों पर आप देखेंगे जो काम यहाँ पर किया जाता है उस काम को लेकर जो है महानगर पालिका द्वारा काफ़ी लापरवाही देखने को मिलती है। कुछ समय पहले पानी की किल्लत होने की वजह से रास्ते पर कई जगहों पर जो है पाइपलाइन के लिए रास्ते खोदे गए थे, जिसके वजह से जो है खड्डे हो जाने की वजह से इधर पे जो है आए दिन हादसे होते रहते थे। ऐसे ही एक हादसा आज भी देखने को मिला। बहरहाल अगर बात करेंगे तो बरसात के पहले जिस तरीके से शहर भर में जो तैयारी करनी चाहिए थी कि जिस तरीके से जो पानी ना भरे, इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में भी सेंट्रल अस्पताल की जो ठीक सामने वाला रास्ता है वहाँ पर हर साल पानी भर जाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना चाहेंगे अगर रास्ते की बात करें तो काफ़ी सक्रिय रास्ता है, बरसात के समय अभी जो है काम नहीं किया गया, फिर तकलीफें होगी। क्या क्या दिक्कतें होती हैं रास्तों में? हमारे 4 नंबर में सबसे पहले तो जो सेंट्रल हॉस्पिटल से लेकर जो खत्री भवन तक जो रोड है वहाँ पर हमेशा सालों से पानी भरा रहता हुआ है, और हर बार और इस बार तो इतने खड्डे हो गए हैं पानी के वजह से, और उन खड्डों को भरा नहीं गया है। और अगर ये बारिश में उन खड्डों को जल्द से जल्द नहीं भरा गया तो पूरी बाढ़ आ जाएगी और ये 4 नंबर के सबके सब दुकान पूरे डूब जाएंगे। और आप देखोगे कि पानी की खुदाई की वजह से हर 5-5, 6-6 दुकानों के पीछे एक एक खड्डा खोदा गया था, वो खड्डा अभी तक भरा नहीं गया है। तो हम छापकी पे एसोसिएशन के पदाधिकारी कॉरपोरेशन को एक चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द अगर इन खड्डों को भरा नहीं जा रहा है। और रास्ते की अगर बात करेंगे तो पहले जो है निर्माण कार्य इसका शुरू किया गया था, साइड के अगर फुटपाथ की बात करें तो उसको बनाने के लिए किया गया था, फंडिंग भी पास हुई थी, फिर भी काम नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो हम वो भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमिश्नर को हम लोग छापकी एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर देंगे। और अगर फंडिंग पास की गई हुई है तो एक भी फुटपाथ नहीं बना हुआ है, एक भी खड्डा नहीं भरा हुआ है और एक भी रास्ता नहीं बना हुआ है। और अगर फंडिंग पास करके अगर कोई ठेकेदार बिल लेके गया है तो हम उसके भ्रष्टाचार की जाँच का एक लेटर कमिश्नर को देंगे। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि खत्री भवन देवी माता का मंदिर है जो सरकारी अस्पताल के सामने है, वहाँ पर जो 15 लाख का फंड पास हुआ था तो वहाँ पर तो कोई रोड बना ही नहीं, और छोटा सा वहाँ पर रिपेयर और प्लस्तर करके उसको ठीक किया गया। तो ये 15 लाख कहाँ गए? और इस भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए। और शनि मंदिर से लेकर जो आशीर्वाद का रोड बना हुआ है वहाँ का भी पूरा रोड का जो ब्रेकर है और जो रोड है वो पूरा खुल गया है, तो इसमें भी क्या भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भी क्या मिलावट हुई, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। बहरहाल इतना ही नहीं, इस रास्ते से जो है एक प्रमुख रास्ता कैंप क्रमांक 4 का अगर बात करें तो कई अस्पताल यहाँ पे बीच में आते हैं, कहीं यहाँ पे स्कूल भी यहाँ पे जो बीच में आते हैं, और व्यापार यहाँ पे बड़े पैमाने में किया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे आए दिन जो तकलीफें देखने को मिल रही है और बरसात के समय में एक सवाल उठने लगा है कि एक बार फिर से इस इलाके में इस परिसर में व्यापारियों को जो है और जो लोगों को है उन्हें पूरी तरीके से जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।
पूर्व महापौर और वर्तमान नगर सेविका श्रीमती लीला ताई आशान के पैनल में पानी की भारी किल्लत है। लोग पानी के लिए बेहद परेशान हैं। वैसे तो पूरे शहर में पानी के लिए बहुत कोहराम मचा हुआ है, इस वार्ड में भी लोग परेशान दिख रहे हैं पानी की किल्लत के कारण। तो हमने परिसर के निवासियों से मुलाकात की। 10 वर्षापासून राट टाकतात, त्याच्या ऑफिसमध्ये जातो आम्ही, एवढी परेशानी काढतो। इथं आल्यानंतर मी त्याला बोललो, तो बोलतो त्यांना पाणी नाही पाहिजे का, नंतर बोलतो डोका फोडी करा, मारामारी करा आपसामध्ये, नंतर तुम्ही माझ्याकडे। म्हणजे पोलीस चौकीमध्ये गेलं का आमचा खाली सॉल्व करा, आम त्याची त्याला एक दोन वोट कशी भेटते तो त्याची वाट बघतो। पब्लिकमध्ये इथं काय होणार ते एक एवढं जाऊन सुद्धा तो येऊन बघत नाही। 2 दिवसात येतो 2 दिवसात 10 वर्ष झाले, ते काय लक्ष देत नाही। तुम्ही कंप्लेंट केली का नाही? आम्ही कंप्लेंट केली ना, पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली, रॉड घेऊन गेलो, नगरसेवकड गेलो होतो ना, नगरसेवक नव्हता तर पोलीस चौक, पोलीस बोलतात का तुमचा नगरसेवक कुठे आहे, आम्ही बोललो नगरसेवक कोण, आमचा नगरसेवक अरुण असं नाही, तर ते इन्स्पेक्टर बोला तुमचा नगरसेवक कुठे, आम्हाला बाहेर गेला। मग त्यांनी ते आमचं काम थोडी, तरी आम्ही त्यांना विनंती करून हातपाय जोडून आणि त्याला घेऊन आलो, ते रॉड बघा तुम्ही, ते साहेब पण येऊन गेले, रॉड बघितले सगळं काय, त्यांना बोलून पण दंभी देऊन गेले का तुम्ही याच्यानंतर रॉड टाकू नका। पाणी की बहुत परेशानी आहे, हमारे इधर पाणी बिलकुल आता नाही आहे, आम लोग उधर उधर से भर के थक गए, ड्रम उठा उठा के एक पीने का पाणी नाही आता है, अभी हम लोग क्या करे। आप ये चीज लेके नगर सेवक के पास इस चीज की कंप्लेंट करी? 10 के 15 टाइम गया बस। तो नगर सेवक ने क्या जवाब दिया? हाँ हम करेगा, हम देखेगा, बस अभी तक कुछ कुछ हुआ नहीं। इस चीज की आपने प्रशासन तक आपने इसकी सबके पास साइन दिया, लेटर दिया, सब कुछ दिया, कोई कुछ करने वाला नहीं। एक लाइन घर के अंदर है और एक लाइन गैर कानूनी है, जहाँ पर वो लोग रॉड डालते हैं, सबके अंदर घर के अंदर है। एक लाइन गैर कानूनी है, एक लाइन जो रॉड डालते हैं वो लोग सबके घर के अंदर है। कोई भी अगर वाटर सप्लाई ऑफिसर आएगा, नगर पालिका अधिकारी आएगा तो वो देखेगा तो बोलेगा खुद ये क्या है। हम लोग को पानी का तकलीफ है, ये बावड़ी से वो बावड़ी से कितना लाएगा, हम लोग काम करेगा पानी लावे, फिर इन लोग का पीछे रहे, राड बंद करेगा तो हम लोग को पानी आएगा। पानी नहीं है हमारे घर में, हमको इधर उधर बर्तन लेके घूमना पड़ता है पानी के लिए, तकलीफ कितना उठाना पड़ता है, दिन भर काम करेंगे कि पानी भरेंगे कि बच्चे लोग को देखेंगे। कितने टाइम से ये परेशानी है? ये 3-4 महीने से बहुत तकलीफ है हमको, हम कुएं पे भर भर के थक गए पानी। तो तब से आपका नगर सेवक क्या आपने कंप्लेंट नहीं करी? बहुत बार गए कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, बोलते करेंगे आज करेंगे कल करेंगे, पानी खाली बोलते पर करते कुछ भी नहीं है। 5 महीने झाले माझ्या घरात पानी नहीं है, मुलगा आजारी, पोरगे आजारी, पाणी भरून नवऱ्याला कॅन्सल, ऑपरेशन झाले, आम्ही काय करायचं पाण्याचं? नगरसेवक बोलतो डोके फोडा, हे करा ते करा, आमच्या जातीचा असून काय फायदा आहे नगरसेवकचा, सांगा। कोण नगरसेवक आहे तुमचा? अरुण अशोक। तुम्ही गेले त्यांच्याकडे तक्रार? आता जाऊन ते बोलतो डोकं फोडा, जाऊन 17-12 वापिस येतात। उल्हासनगर 4 ओटी परिसर की समस्या को लेकर हमने 4 नंबर ओटी परिसर के रहिवासी तथा समाज सेवक अरुण आशान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना रहा है कि वो बेहद कोशिश कर रही है समस्या दूर करने के लिए, लेकिन ये समस्या दूर नहीं होती नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने इस समस्या के लिए जिम्मेदार उल्हासनगर महानगर पालिका को ठहराया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं। वैसे तो इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं एक ऐसे परिवार की जिसकी बच्ची ने 94% अंक पाकर अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। हम बात करते हैं साक्षी बालू गवई की। साक्षी के पिता घर घर जाकर रुमाल बेचते हैं, लेकिन इस बच्ची ने अच्छी तरह से पढ़ाई कर अपनी योग्यता का परिचय दिया है। माझा नाव बाळासाहेब गवई है आणि माझ्या मुलीने या बोर्डाच्या परीक्षेत 94% मार्क्स मिळवलेले आहेत। यामध्ये माझं कर्तव्य मी पार पाडलं, एक बापाचं कर्तव्य जे असते ते मी पार पाडलं, पण अगदी मेहनत घेतली ते तिनेच घेतलेली आहे। रात्रीचे 4-4 वाजेपर्यंत ती अभ्यास करत होती। माझं कर्तव्य फक्त एवढंच आहे की आपलं घर चालवणं, आणि माझी परिस्थिती काही एवढी फार बेताचीच असल्यामुळे मला नोकरी करून, खाजवी कंपनीत नोकरी करून मला पार्ट टाईम कुठेतरी आपला रुमाल विक्रीचा माझा व्यवसाय आहे, त्याच्यातून मी माझं प्रपंच चालवला, माझ्या मुलींचे पुस्तकं म्हणा किंवा फीस म्हणा किंवा जे काही असेल ते। आणि याच्यासाठी आम्ही बापलेकांनी फार मेहनत घेतलेली आहे, मी कष्ट केले त्या कष्टाचं चीज माझ्या मुलीने करून दाखवलं,
तिची आई मागील 3 वर्षापासून वाताने त्रस्त असल्यामुळे ती घरातलं कुठलंही काम करू शकली नाही. तिच्या अभ्यासाच्या पिरियडमध्ये तिला स्वतः ते काम करावं लागले, भांडी घासण्यापासून, पाणी भरण्यापासून, स्वयंपाक करण्यापासून. जर हे काम तिच्या माझ्या मुलीच्या मागे नसते तर नक्कीच ती बोर्डात चमकली असती. आणि मला एवढं म्हणायचं आहे की तुम्ही झोपडपट्टीत राहता की महालात राहता की फ्लॅटमध्ये राहता, तुमची परिस्थिती श्रीमंताची आहे की गरिबीची आहे याच्यासोबत काही घेणे देत नाही. फक्त तुम्ही अभ्यास करा, वाचाल तर वाचाल, अभ्यास जो करेल. आज माझी मुलीने यश मिळवलं, उद्या तुमच्याही पद्धती ते यश मिळेल. फक्त तुम्ही अभ्यास करा, अभ्यासाला फार महत्त्व आहे, मेहनतीला फार महत्त्व आहे, जिद्द चिकाटी असली पाहिजे माणसाकडे. आणि इतर या गोष्टींना काही अर्थ नाही की तुम्ही तुम्हाला सोयीसुविधा असल्यास पाहिजे. तुम्ही कोणालाही मी आवाहन करतो की ही जी बातमी जे प्रेक्षक बघतात, जे माझ्यापेक्षा चांगल्या परिस्थितीने चांगल्या आहेत परिस्थितीने किंवा माझ्यासारख्याच एक स्लममध्ये एरियात राहत असतील, त्यांनी एक वेळ माझ्या घरी येऊन बघा. म्हणजे त्यांना माहिती पडेल की काय असल्या पाहिजे सोयीसुविधा. सुविधा असल्या तरच मुलगी पुढे जाते असं काही नाही. माझं एक वेळ कोणी येऊन घर बघाव, आम्ही राहतो कसे, किती जागेत राहतो. आणि याला काही अर्थ नाही की व मला एक स्पेस सेपरेट रूमच पाहिजे, मला कॉलेजला जायला, शाळेत जायला गाडीच पाहिजे किंवा मला सर्व सोयीसुद्धा उपलब्ध असल्याच पाहिजे, याला महत्त्व नाही. तुम्ही जेवढे त्या पुस्तकात जाल तेवढं तुमचं यश आहे. म्हणून पुस्तकाला महत्त्व द्या, अभ्यासाला महत्त्व द्या. आणि तुमचं वय पण हेच आहे, तुम्हाला काहीही करत. फक्त माझ्या मुलीची एवढी अशी परिस्थिती होती की तिच्या अभ्यासाच्या पिरियडमध्ये किंवा परीक्षेच्या पिरियडमध्ये तिला मदत करणारी तिची आईच जागेवर बसली होती वातविकारामुळे. नाहीतर माझ्या मुलीने अजूनही यश संपादन केलं असतं. आणि आमचे माझ्या मुलीची माझी स्वतःची मी कुठलेही कष्ट करणार, मला कष्ट करण्याची सवय आहे, पण तिला मी डॉक्टर बनवून दाखवणार. फक्त तिनं तिची हीच क्वालिटी जर ठेवली तर मी काहीही करणार, पण माझ्या मुलीला डॉक्टर बनवणार. मी साक्षी बाळू गवई सेंट जोसेफ बेथनी कॉन्व्हेंट हायस्कूलमध्ये शिकत होती. मी 10th 94% पास झाली आहे. मला माझ्या पप्पांनी जी मेहनत केली आहे त्याचं फळ मिळवायचं होतं, म्हणून मी एवढी मेहनत घेतली आणि एवढे चांगले पर्सेंटेज काढले. मला आणि माझ्या पप्पांची पण इच्छा आहे मी डॉक्टर बनू, तशीच माझी पण इच्छा आहे मला डॉक्टर व्हायचं आहे, म्हणून मला मेहनत करायची आहे. माझी बहीणसुद्धा मेडिकलमध्येच आहे, मेडिकल लाईनमध्ये आहे, आणि मला तिच्यासारखंच डॉक्टर बनायचं आहे आणि समाजाची सेवा करायची आहे. माझ्या मुलीने खूप मेहनत केली, रात्रंदिवस अभ्यास करत होती. याच्या मी आजारी असताना पण तिने पुष्कळ मेहनत केली. जर मी आजारी नसते तर तिने अजून म्हणजे चांगल्या मार्गाने अजून पास झाली असती ती. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. सेक्रेड हार्ट स्कूल की छात्रा ट्विंकल लहरानी ने 10वीं कक्षा में 98% यानी 98% अंक प्राप्त करके अपना और अपने उल्लासनगर शहर का नाम रोशन किया है. हमने बातचीत की ट्विंकल और उसके परिवार से. मैं कुणाल लहरानी, मेरी बहन ट्विंकल लहरानी की 97.80% आई है. हम बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उसके लिए, और सेक्रेड हार्ट स्कूल से वो हमें बहुत खुशी हो रही है. Hi guys, I'm Twinkle Lehrani. I've scored 98% in 10th standard and I'm from Sacred Heart School. It's only because of my parents' support that I've reached here and I really feel proud of myself and my family. Thank you. Meri ladki ne aaj 10th ka uska result 98% aaya. Hum aaj bahut khush hain. Uske wajah hum aaj bahut proud feel kar rahe hain aur aage bhi yahi koshish karte hain ki hamari ladki isse aur zyada kare. और उसको इंटरेस्ट मेडिकल में है करना, और उम्मीद है कि और इससे भी आगे वो कर सकेगी. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र सचिव नरेंद्र पवार उल्लासनगर दौरे पर आए. यहां पर उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया. इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं उल्लासनगर भाजपा जिलाध्यक्ष कुमार एलानी. महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी श्री नरेंद्र पवार जी आज उल्लासनगर में मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पे सभी जनरल सेक्रेटरी, मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी सब यहाँ पे मौजूद थे. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने जो भी योजनाएँ हमें बताई. आने वाले समय में जैसा कि मोदी जी के 2 साल टर्म पूरे हुए, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वो किस तरीके से आम जनता के पास पहुंचने चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब
जो जो कार्य किए हैं, आज वो कार्य कैसे सरकार के यहाँ पे घर घर में पहुँचने चाहिए, उसके अलावा जो प्रोग्राम्स है आने वाले 21 तारीख को जो नरेंद्र मोदी जी ने योगा का शुरुआत की थी, वो उल्लासनगर घर घर में, हर वार्ड में, हर पैनल में, हर बूथ के कार्यकर्ताओं को योगा शिविर लेके वार्डों वार्डों में काम करना है। जाड़ लगाने की योजना है हमारे सुधीर मुंगटीवार साहब ने, जिसके लिए पूरे महाराष्ट्र में करोड़ों पौधे लगाने का उन्होंने वायदा किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये स्कीम से पहली बार हमारे महाराष्ट्र में आई है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर ने भी जो भी महाराष्ट्र के लिए कार्य किए हैं वो भी हम उल्लासनगर घर घर में पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है विकास विकास विकास, उसको हम पूरा करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सत्य साई निकेतन स्कूल प्रबंधन पर अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि वो फीस बढ़ाकर ले रहे हैं और साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म दे रहे हैं वो बेहद घटिया क्वालिटी का है। तो इस बारे में विरोध जताया है ढेर सारे अभिभावकों ने, और सोमवार को वे सब पहुंचे सत्य साई निकेतन स्कूल में अपना विरोध जताने के लिए। इस समय हम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के श्री सत्य साई स्कूल परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है पेरेंट्स लोग का ये कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा यानी कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो है काफ़ी लापरवाही की जाती है। पिछले कई समय से इनकी जो है समस्याएं हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट जो है सुन नहीं पा रहा है। अगर आज की बात करेंगे तो आज यहाँ पर सुबह से अगर देखेंगे तो जो है स्कूल की यूनिफॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी, तो उसको लेकर यहाँ पर विवाद देखने को मिला। पेरेंट्स का कहना ऐसा है जो कि स्कूल द्वारा जो कि यूनिफॉर्म दी गई है बच्चों को, उसमें जो है क्वालिटी का जो है लो क्वालिटी के कपड़े का यूज़ किया गया। उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो पेरेंट्स का ये भी कहना है कि लो क्वालिटी का कपड़ा तो दे ही रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो चार्ज की अगर बात करें तो चार्जेस भी जो है वो बढ़ा के दिया जा रहा है। तो जो प्रॉब्लम चालू है आमचा कि आज यूनिफॉर्म मिळणार होते की 7 तारखेपासून आम्हाला ते सांगतात की आज उद्या मिळेल परवा मिळेल, तर चालेल ठीक आहे, पण आज ज्याने जे तारीख दिली त्याच्यानंतर आम्हाला समजलं की ती युनिफॉर्मची जी काही क्वालिटी आहे ती आम्ही पाहिली, त्याच्यानंतर आम्हाला समजलं की ही क्वालिटी बरोबर नाही। जो पहिले जे कपडे होते ते खूपच छान होते, त्यांची क्वालिटी चांगली होती। आता जो कपडा जो आहे तो काही कॉटनचा नाही, टेरिकॉट आहे पूर्णपणे, आणि उन्हाळ्यामध्ये ही मुलं घालून बसू शकत नाही दिवसभर, आणि त्याच्याबद्दल आम्हाला शाळेमध्ये कंप्लेंट करायची की बो हा कपडा आम्हाला नको आहे, तुमचा जुना ठेवा किंवा ह्याची क्वालिटी बदला, तेवढंच आम्हाला त्यांच्याबद्दल सांगायचं। बाकी त्यांची जी शिक्षण पद्धती आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही। नाही, आम्हाला फक्त एवढंच म्हणणं आहे का त्यांचा जो युनिफॉर्मचा जो आहे त्यांनी आम्हाला काही एक दाखवलेला नाही आहे का, तुम्हाला हा कलर अवेलेबल पाहिजे का तसा पाहिजे किंवा कपडा कसा आहे, आम्हाला त्यांनी एखादी तरी क्वालिटी दाखवायला पाहिजे होती। तेवढीच आमची फक्त कंप्लेंट आहे का तुम्ही आम्हाला कपडा चांगला द्या, आमच्या पोरांना क्लासमध्ये बसल्यानंतर एवढं गरम होतं, नावाला 4 फॅन आहेत फक्त 2 तो कपडे की आप करें कि खराब है तो रेट भी रेट कैसा ले रहे हाँ चार्जेस कैसे ले चार्जेस अभी 300 एक का बताया हम लोगों को। हाँ, इसके बारे में शिकायत की मैनेजमेंट से ना, अभी मैनेजमेंट वाला कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है, हम लोग आपसे वहाँ पे खड़े हैं तो कोई हमारे सामने नहीं, ना स्कूल के टीचर ना प्रिंसिपल ना कोई भी, टीचर लोग खुद बोल रहे हैं हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है इसके बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं कौन सा यूनिफॉर्म, बस मैडम ने चूज़ किया इतना बोल रहे हैं हम लोगों को। यूनिफॉर्म का फीस भी बताया नहीं पहले, वो भी नहीं बताया था पहले कि पहले, अभी आज इधर आने के बाद मालूम पड़ा कि कितना का फीस भरना है। वो शाळेत येऊन वारंवार सर लोकांच्या तक्रार सांगत असतो की आमच्या शाखेमध्ये लोक येतात आम्हाला बोलतात की आमचे फी वाढवले आमचे हे केले, आणि आता आज असं कळलं मला की पॅरेंट लोकांनी ह्यांनी लोकांनी शाळेत जो युनिफॉर्म दिला आहे तो चांगल्या क्वालिटीचा न देता एकदम थडकल क्वालिटीचा दिला आहे, त्याबद्दल आम्ही आलो तर आम्ही त्या टीचर लोकांशी पण बोललो की हा असा युनिफॉर्म काय, तर त्यांचं म्हणणं त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही हा युनिफॉर्म आम्ही नाही बोललो, आम्ही रमेश कुण अमरातला कोणते आहे त्याला आम्ही म्हणायला दिलं, त्यांनी आम्हाला हा युनिफॉर्म दिला, पण माझं म्हणणं असं आहे तुम्ही युनिफॉर्म देता मुलाला चांगल्या क्वालिटीचा द्या ना, आज युनिफॉर्म असा दिला की क्वालिटी पण सरकारच क्वालिटी आहे, आणि पैसे पण द्यायचे 3,000 रुपये घेतले, ज्या त्या वस्तूची किंमत ड्रेसची किंमत 1,200 आहे, तुम्ही तर 3,000 रुपये कसं काय घेतात, त्याबद्दल आम्ही पुऱ्या पॅरेंट्स आणि मुलांच्या बाजूने आम्ही उभे राहू। किसी तरीके के मैनेजमेंट से प्रिंसिपल से टीचर से बातचीत हुई होगी तो क्या कहना रहा उनका? उनका कहना है इधर की जो टीचर उनसे बात हुई हमारी, उनका कहना है कि ये जो ड्रेस है ये हमने नहीं ये किया, हम लोग ने ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर के हिसाब से आया था, तो हम लोग उनको बोला है कि आप उनको बुला के लो, तो अभी तक नहीं आ रहे, 2 घंटा हो गया है उनको फ़ोन करके तो भी अभी तक नहीं आ रहे हैं।
जब हमने बातचीत करने की कोशिश की यहाँ पे मैनेजमेंट से, यहाँ के डिपार्टमेंट से या यहाँ के प्रिंसिपल से, तो वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहे। और जब हमने प्रिंसिपल से संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने भी जो है हमसे संपर्क नहीं किया। तो यहाँ पे सुबह से जो है सवाल उठता रहा है कि जिस तरीके से जो पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों की जो समस्याएं लेके आ रहे हैं, वहाँ पर वहीं जो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से जो है इनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सफल नजर आता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो शिकायतें पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, मैनेजमेंट उसका सोल्यूशन कैसा निकालता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 11वीं कक्षा के लिए महाराष्ट्र शिक्षण बोर्ड ने प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने उल्लासनगर में भी कुछ केंद्र बनाए हैं जहां पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं शिक्षण विभाग से जुड़े हुए अधिकारी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात करें जो रिजल्ट आ चुके हैं, अब जो है एडमिशन प्रोसेस पूरी जगहों पर चालू हो चुके हैं, तो इस बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिशन है ऑनलाइन ज़्यादा होंगे, उसमें जो कोटाज रहते हैं, तो किस तरीके की पूरी ये पूरा प्रक्रिया रहेगी एडमिशन्स की ऑनलाइन? इस साल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूरा ऑनलाइन कर दिया है। ऑफलाइन भी प्रवेश लेना हो कोई बच्चे को, मैनेजमेंट कोटा हो, इन हाउस कोटा हो, माइनॉरिटी कोटा हो, लेकिन उनको ऑनलाइन का किताब लेके वो किताब में से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूर है। किस प्रकार से रहेगा ऑनलाइन में, अभी अगर गए तो फैकल्टीज चूज़ करना है, देन उसके बाद जो उसमें कोटाज रहते हैं, तो किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? हर एक कोटा में कोई भी फैकल्टी रहने दो ना, कोई भी फैकल्टी होगी तो बच्चे को वो चॉइस करने के लिए वो कर सकता है। सेंटर्स कहाँ कहाँ पे अलॉट किए गए हैं, कि कहाँ से आप ये इसे हैंडल कर सकते हो? प्लस ये भी जानना चाहिए कि डेट आखिरी कितनी होगी इसकी? अपना उल्लासनगर में दो गाइडेंस सेंटर है, अपना न्यू इंग्लिश स्कूल नेताजी चौक 4 नंबर में और CHM कॉलेज में, दोनों जगह है। उधर कोई भी बच्चा जाके उसका कोई भी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात बोल दिया तो इस साल एडमिशन में हर एक बच्चों को एडमिशन तो मिलने वाला है, एडमिशन मिलने का नहीं ऐसा कोई नहीं, लेकिन एडमिशन के लिए उसको ऑनलाइन प्रोसेस में पूरा जाना ज़रूरत है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारे शहर की प्रमुख गतिविधियां। अन्य गतिविधियों को देखने के लिए डालते हैं एक नजर। छात्रों की सुविधा के लिए संकल्प संस्था 14, 16 और 18 जून को लगा रहा है विभिन्न सुविधाओं के कैंप। छात्र उठा सकते हैं भरपूर लाभ। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना उल्हासनगर शहर शाखा तसेच संकल्प फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने उल्हासनगर शहरातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश अर्जासाठी जी तहसीलदारामार्फत जे अर्ज दाखले लागतात आहेत, 15 वर्षाचा रहिवाशाचा दाखला आणि इन्कम सर्टिफिकेट, याच्यासाठी विद्यार्थ्यांना खूप तहसीलदार ऑफिसला जावं लागतं आणि 3-3, 4-4 दिवस द्यावे लागतात त्यांच्यासाठी। त्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आणि संकल्प फाउंडेशनने SST महाविद्यालय मोऱ्यानगरी, CHM महाविद्यालय आणि RGT महाविद्यालय येथे 3-3 दिवसाचा कॅम्प लावलेला आहे, 3 दिवसांचा कॅम्प लावलेला आहे। 14 तारखेला SST महाविद्यालय आहे, 16 तारखेला RGT महाविद्यालय आणि 18 तारखेला CHM महाविद्यालयामध्ये सकाळी 10 ते 3 वाजेपर्यंत हा कॅम्प लावलेला आहे। तरी उल्हासनगरमधील सर्व नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा। वंजारी सेवा संघ परिवार ने टाउन हॉल में दी पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि।
कोणार्क अपना शहर अपनी बात। पुलिस परिमंडल चार क्षेत्र के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्व आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो इस हफ्ते में किस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, किस तरह तफ्तीश जारी है, किस तरह अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, ये सब देखते हैं क्राइम डायरी में। आज भी 21वें शतक में भी हमारे देश में दहेज से उत्पीड़ित होने वाले लोगों की, महिलाओं की संख्या कम होते नजर नहीं आ रही। दुख की बात तो यह है कि कई दिनों से हमारे शहर उल्लासनगर में भी ऐसी महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। ये बात है उल्लासनगर चार शिवशक्ति कॉलोनी ओटी सेक्शन की, जहाँ पे अंजनी रनाळकर नामक महिला के साथ दहेज के लिए उत्पीड़ित किए जाने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अंजनी जो महिला है, उनके पति उन्हें 1.5 लाख रुपए दहेज लाने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, और इसी से तंग आकर उत्पीड़ित होकर इस महिला ने अपने घर वालों का, अपने ससुराल वालों की जो बात है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि कुल 1.5 लाख की मांग उनके पति किए करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें मोटरसाइकिल लेनी थी, और अगर अंजनी मना करती थी तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था। यह पूरा मामला उल्लासनगर विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है, और पुलिस 498A 323 324 504 506 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। हमारे शहर की बाइक चोरी की वारदातें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। फिर से एक बार उल्लासनगर 3 ओटी सेक्शन के रहवासी वसंत पराड़ की ब्लैक कलर की पल्सर गाड़ी जो है वो चोरी होने की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी का नंबर है MH05AY1844। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज, और पुलिस 379 के तहत जांच कर रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। जून 1997 में WHO ने जागतिक रक्तदान दिवस की नींव रखी, जिसका मुख्य मकसद दुनिया भर के लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। यानी सबसे बड़ा दान माना गया है, लेकिन आज भी खून के कमी के कारण मरने वालों की संख्या कई अधिक है। आज भी कई लोग समय पर खून न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता का ना होना है।
दिवस पर रक्तदान से जुड़े कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। भाई और बहनों, हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल तथा हमारी रक्त पीढ़ी हमारे डॉक्टर अशोक नंदापुरकर सर, सिविल सर्जन सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 तथा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सिस्टम इनके अंतर्गत आज इतनी प्रगति पे आ चुका है कि आज हमको ब्लड डोनेशन ड्राइव के अंतर्गत हमने ब्लड होल ब्लड यूनिट ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना की है, जिसमें हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्लेटलेट्स पैक्ड ब्लड सेल्स के तैयार करते हैं और कैंप के आयोजन के अनुसार सभी बच्चों को जो थैलेसेमिया पीड़ित है, जिसको आगे पीछा कोई ना है, जो एक्सीडेंट्स के मरीज़ हैं उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है और जो भी गर्भवती महिला डिलीवरी के वास्ते आती है और जिनको आवश्यकता के अनुसार रक्त की ज़रूरत पड़ती है उनको ये रक्त मुफ्त दिया जाता है। इसी अनुसंग से हम 14 जून 2016 वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस साल उसका स्लोगन है शेयर लाइफ गिव ब्लड, शेयर लाइफ गिव ब्लड, और इस साल का उनका थीम है ब्लड कनेक्ट्स अस ऑल। इन थीम और स्लोगन्स का एक ही महत्वपूर्ण उत्तर है कि खून का ना कोई जात होता है, ना कोई भेदभाव होता है, एक ही खून दूसरे की जान बचाता है। अगर आप आगे चल के खून की डोनेशन करेंगे तो नक्की उसके जो घटक है वो 4 जनों के ज़िंदगी बचाने में काम आएंगे। एक आह्वान है सेंट्रल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की होल टीम, हमारे सिविल सर्जन साहब डॉक्टर अशोक नंदापुरकर सर एंड हमारे एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर विजय काल पांडे सर की ओर से, कि आगे चल के भले सेंट्रल हॉस्पिटल हो या आपके नज़दीक का कोई भी रक्त पीढ़ी हो, वहाँ पर अवश्य जाके रक्तदान कीजिए। रक्तदान एकदम सोपे मार्ग से होता है, हर एक चीज़ इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ FDA। जो आपने मन में भीति है वो सब वहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन करके बताई जाती है, वो भीति का निरासन होने के बाद ही आपका खून लिया जाता है। तो हमारी आपसे हर समय विनंती रहेगी कि 18 साल के आप ऊपर हो और 65 साल के अंदर हो तो ज़रूर रक्तदान कीजिए। धन्यवाद। आपका रक्त दूसरों का जीवन है, आइए बचाए किसी की जान, नियमित रूप से करें रक्तदान। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि टीवी पर कोणार्क अपना शहर अपनी बातें की गतिविधियां जो आप देख रहे हैं वो अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, UNR ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, उल्लासनगर मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।